हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी सवाल है मन में उसका जवाब क्या आता है पेंडुलम रीडिंग की मदद से। टैरो के थ्रू भी हम देखेंगे कि आपके बेसिकली क्वेश्चंस क्या है, आप क्या चाह रहे हो, गाइडेंस क्या है। ओके, और फिर हम जो है आपके लिए देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, नो है या फिर क्या है। ओके, सो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर या फिर नाम का पहला अक्षर AIDCJMOFSUVX या Y है तो आपको ग्रुप वन या पायल वन चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर BEKGHLNPQRTWZ है तो आपको ग्रुप टू या पायल टू चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, ये है ग्रुप वन या फिर पाइल वन, ये है ग्रुप टू या पाइल टू, और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCMOFSUVX या Y है तो हम देख लेते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है, जिस भी बारे में आप पूछना चाह रहे हो, जिस भी तरीके के आपके क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आता है, यस आता है, नो आता है या फिर क्या बेसिकली आंसर आता है। साथ में जो भी आपके मन में जो प्रश्न है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि जो है आपको क्लैरिटी मिल पाए, तो इसके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके बेसिकली क्वेश्चंस क्या है। हम सबसे पहले तो क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो उसके लिए मैं जो हूँ टैरो के थ्रू देखूंगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहकर अपने क्वेश्चंस को माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आप बेसिकली क्या पूछना चाहते हैं। ओके, पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से पूछिएगा, उसके बाद आप दूसरा भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से सोचिए, फील कीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है टेन ऑफ वेसल्स, द ब्लास्टेड ओक, द आर्चर, द जर्नी, और भी कार्ड्स देखेंगे। नाइन ऑफ एरोज, सिक्स ऑफ बोज, बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ बोज, ओके। सो देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आप जानना चाह रहे हो, किसके आंसर्स आप जानना चाहते हो। सो सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सेपरेटेड हैं, ठीक है, जिनकी फेल्ड मैरिज रही है या फेल्ड कनेक्शंस रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत टाइम से सिंगल रह रहे हो, ये भी हो सकते हैं। सो आप जो अपने लव लाइफ में कुछ बिगनिंग्स करना चाह रहे हो एंड आप चाह रहे हो कि कोई बदलाव आए, सो आप उस चीज़ को जानना चाहते हो कि वो बदलाव आएंगे या नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए जानना चाह रहे हो कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनके बिहेवियर में बदलाव आएगा कि नहीं, वो चेंज होंगे कि नहीं, वो घर को संभालेंगे या नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम को हमको समझेंगे कि नहीं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, लाइक एल्डर जो हैं आपके घर के सबसे बड़े बच्चे हुए, आप उनके शादी वगैरह के लिए पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो बेटे हैं या फिर जो आपकी जो बेटी है उनकी मैरिज होगी कि नहीं, ठीक है,
कब तक होगी या जल्दी होगी कि नहीं, ठीक है, शादी होके मेरी जो डॉटर या सन है वो सेटल होगी कि नहीं, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस है कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो है मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक है, लेकिन फाइनेंसिस के तौर पर या फिर फैमिली इशूज़ हैं, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी फैमिली के ऊपर है, या फिर कोई आपके फैमिली का ख़राब चाह रहा है, तो आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपको उस एनर्जी से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ठीक है, उस नेगेटिविटी से, उस इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी से आप और आपकी फैमिली निकल पाएगी कि नहीं। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपना पार्टनर का वेट कर रहे हैं और आप के दिल में हैं और आप चाह रहे हो और आप जानना चाह रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो मैरिज का प्रपोजल लेकर आपके तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, सो आप बेसिकली जानना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम नज़र आ रहा है कि आप जानना चाह रहे हो कि आपका सेपरेशन किसी पर्सन के साथ फाइनली हो चुका है या अभी भी होप है, अभी भी वो लौट कर आएंगे, तो आपको समझ नहीं है कि वो लौट कर आएंगे या नहीं, और उसके बारे में आप जानना चाहते हो कि बेसिकली वो लौट कर आएंगे या नहीं। ओके, ये क्वेश्चंस मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि रिसेंटली हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ठीक है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओके, सो बहुत कम लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हो सकता है कि आपने अपने करीबी को खोया है रिसेंटली, ठीक है, या फिर पहले भी हो सकता है कि आपने किसी अपने करीबी को या फैमिली मेम्बर को किसी को खोया है और आप जानना चाहते हो कि उनको शांति मिली है नहीं, उनके उनकी जो सोल है उनको शांति मिली है या नहीं, और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है, तो आप वो भी जानना चाहते हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स हो सकता है आए हैं रिसेंटली, ठीक है, किसी भी तरीके से लव लाइफ में या करियर में कुछ ना कुछ आपने ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब देखा, मतलब आपको पेन मिला, आप हर्ट हुए हैं उससे, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके लाइफ में हुआ है एंड आप जो हो उस चीज़ से बहुत परेशान हो, लाइक आपको समझ है कि ये सब होना था तो हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस दर्द से, उस टॉक्सिसिटी से। ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ये भी क्वेश्चन हो सकती है कि आप जानना चाहते हो कि आप कभी इस फेस से या फिर इस सिचुएशन से या फिर जो भी आपके साथ हुई उस मेमोरीज से आप निकल पाओगे या नहीं। ओके, सो ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस हैं कि आपके सडनली आपको आपका कुछ टेस्ट वगैरह में आया है, रिपोर्ट्स वगैरह, एंड आपकी हेल्थ कुछ सही नहीं है एंड आप चाहते हो कि आप रिकवर कर जाओ बहुत जल्द, बट आपको थोड़ा सा टेंशन है कि पता नहीं होगा कि नहीं, सो आप जानना चाहते हो कि पूरी तरीके से आप रिकवर हो पाओगे या नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको हर्ट किया जाता है या फिर आपका यूज़ किया गया है, आपका बेनिफिट लिया गया है किसी भी तरीके से, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें स्टक हो चुके हैं, आप फंस चुके हैं। सब ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो है उस चीज़ से निकल पाओगे कि नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं। ओके, या फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और आप खुद का घर लेना चाहते हैं, फिर खुद का एक ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, खुद अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों के अंडर रहना पड़ता है, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है, या फिर आप खुद का घर अभी लेने में असमर्थ हैं, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जाकर आपका कोई घर होगा कि नहीं, आप खुद से स्टेबल लाइफ जी पाओगे या नहीं, ठीक है, खुद सब कुछ जो भी आपके एसेट्स हैं वो खरीद पाओगे कि नहीं। ओके, सो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी से यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपका बिजनेस में बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ है और आपको अभी बिल्कुल भी होप नहीं है अपने अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप फिर से शुरुआत करते हैं तो चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंसेस या जो चीज़ें लॉस हुई वो वापस लौट कर आएंगी कि नहीं। ओके, एंड और क्वेश्चंस मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं, आपको डिज़ायर्ड जॉब या डिज़ायर्ड कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि आप खुद का कुछ करते हैं, लाइक आप एंटरप्रेन्योर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ओके, या फिर आप ब्लॉगर वगैरह हैं, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर एक्टिंग फील्ड से हैं। ओके, लाइक एक्टिंग, मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, किसी भी तरीके थिएटर वगैरह करना। ओके, या फिर खुद की कुछ राइटर, स्क्रिप्ट लिखना, या
फिर डायरेक्टर वगैरह भी आप हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी आप हो सकते हैं। सो आप अपना कुछ एक पहचान बनाना चाहते हैं, आप फेम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानें और लोग आपके पैशन को, आपके कॉन्फिडेंस को जाने, और आप जो है ना लोगों के लिए एक एपिटमी बनना चाहते हैं। लाइक आप वर्ल्ड वाइड में आप चाहते हैं कि आपके नाम पहचान हो, आपको लोग दूर दूर तक जाने, आपको पहचाने। सो आपके मन में ये भी क्वेश्चन है कि क्या आपको फेम मिलेगा, क्या आपको लोग दूर दूर तक जानेंगे, क्या आपके करियर में आपको ऐसी सक्सेस मिलेगी जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे। सो ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि गारंटेड मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग किसी ना किसी एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, या फिर अगर आप खुद का भी कुछ करते हैं तो आप लाइफ में रिकग्निशन एंड फेम चाहते हैं। तो वो भी आप जानना चाहते हैं कि वो चीज़ पूरी तरीके से हो पाएगी कि नहीं। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो मैंने कहा कि जैसे स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, और आप जानना चाहते हो कि उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, आपके फेवर में वो रिजल्ट आएगा कि नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, या फिर आप ट्रैवल से रिलेटेड कुछ करते हैं। ओके, लाइक हो सकता है कि आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, या फिर आपका इस तरीके से बिजनेस है, या फिर आप खुद का कुछ करते हो जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत यूनिक वर्क है, लोग इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर लोगों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन आप इसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को समझाओ कि इस बिज़नेस में, या फिर इस तरीके के कामों में कितना ज़्यादा बेनिफिट है, या कितना प्रॉफिट है। ओके, सो आप ये भी जानना चाहते हो कि क्या आप उस चीज़ में सक्सेस पा पाओगे, कि आप लोगों तक इस चीज़ को फैला सको, इस लोगों तक पहुँचा सको। ठीक है, तो ये कुछ मुझे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं आपके, और भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि डाइवोर्सी वगैरह हैं, और आपको शादी करनी है फिर से। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि अभी जो है शादी होगी कि नहीं, हालांकि आप होपफुल हैं, आपको एक क्लैरिटी है कि मैरिज वगैरह होने के चांसेस हैं आपके, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो कि आपकी री मैरिज होगी कि नहीं। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप लोग सिंगल अनमैरिड हैं तो आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है डिलेज बहुत आए हैं। सो अभी आप जानना चाहते हो कि आपकी इसी ईयर के अंदर शादी होगी कि नहीं। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी डिज़ायर है कि आपको एक लविंग पार्टनर मिले, या फिर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपको कोई एकदम बे इंतहा मोहब्बत करे, अनकंडीशनल लव करे, और आपको ऐसा लगता है कि वैसा इंसान, या वैसा लविंग एंड केयरिंग, वैसे जेन्युइन इंसान आपको मिलेगा कि नहीं। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मेल जो है वो ये देख रहे हैं कि मुझे एक जीवन साथी या वाइफ बहुत प्यार करने वाली मिलेगी या नहीं। ओके, डोर टू स्पिरिट्स, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है डेफिनेटली मॉडलिंग वगैरह में हैं, या ब्यूटी पैजेंट्स वगैरह में सक्सेस पाना चाहते हैं। ओके, सो आप उसमें भी जो है एक पहचान चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आप उस फील्ड में सक्सेस पाओगे कि नहीं। ओके, सो कोई ना कोई यहाँ पर हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट है, या फैशन डिज़ाइनर है, या फिर किसी ना ब्यूटी रिलेटेड कोई काम है आपका, और आप चाहते हैं कि उसमें आपको पहचाना जाएगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है अपने सोल पर्पस को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल तरीके से अपने लाइफ को लीड कर पाएं। सो आप जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ आप कर पाओगे, क्या आप अपने सोल पर्पस को निभा पाओगे। ओके, क्या ओके okay, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर ये भी एक है डाउट कि आपके अंदर साइकिक अबिलिटीज़ है या नहीं। ठीक है, आपके अंदर कुछ अलग पावर्स है या नहीं, और आप जानना चाहते हो कि जो आपको फील होता है क्या वो सच्चाई है, या फिर बस आपके मन का वहम है। तो ये भी क्वेश्चंस आपका हो सकता है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अभी प्रॉब्लमेटिक हैं, आपके फाइनेंसेस की जो सिचुएशन है, कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, डिपेंडेंट है, या फिर जितना अर्निंग इनकम आपको चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। सो आपकी ऐसी भी इच्छा है, ऐसा भी क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो कि आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे कि नहीं, जो डेप्थ है वो मिटेंगे या नहीं, या फिर कहीं पर अगर अटका हुआ है तो वो पैसे लौट कर आपके पास वापस आएंगे या नहीं, या फिर आपको जो एक सिक्योर्ड जॉब या बिजनेस करने में आप सक्षम होंगे या नहीं। ओके, सो ये मुझे आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, अगर इससे भी अलग आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सो अभी मैं पेंडुलम रीडिंग करूंगी, तो आप जो है अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं।
सो आपका जो आंसर है वो यस है. ओके, डेफिनेटली इट्स अ यस. आप लोग देख सकते हैं. सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने मैंने आपको कहे, या फिर अगर आपके अलग से भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो उसके जो आंसर हैं वो यस है. ओके, डेफिनेटली. यानी कि आपका जो आंसर आया है, आपको जो उत्तर आया है, वो हाँ में आया है. सो हम देख लेंगे कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है. ओके, आपको करना क्या चाहिए अगर आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस रहे हैं. ओके, सो आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपको जो आपके अंदर अगर कोई पैशन है, कोई इच्छा है या कुछ भी है, तो आपको जो है ना लोगों तक, लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लोगों को बिठा कर समझाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मेरे ये ड्रीम्स है, या फिर मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ. ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, या मेरी ही मेंटालिटी सही है. आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है. ओके, सो अगर आपके मन में ऐसी एक एक बन चुकी है ना कि मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, तो अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा वाइड करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा अपने जो परसेप्शन को है ना उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और लाइफ में पीस चूज़ कीजिए. ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अगर नेगेटिव थॉट्स भी हैं, अगर आपकी पास्ट बहुत बुरी रही है, या कुछ भी सिचुएशन चल रहा है, हमेशा पीस चूज़ कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए, पीस चूज़ कीजिए, और अपने आप को हील कीजिए. कोई भी एक माइनर से माइनर इशू भी अगर आपकी है, तो आप हील करने की कोशिश कीजिए. सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई भी आपकी इच्छा है, वो भी पूरी होगी, और आपको जो है ना अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे. ओके, सो ये गाइडेंस आपके लिए है. सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, बाय एवरीवन. हेलो पहले बच्चों, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर BEKGHLNPQRTW या Z है, तो हम देख लेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी पूछना चाह रहे हो, उसका आंसर यस है या नो है, या फिर बेसिकली आंसर क्या है. हम उत्तर देखेंगे आपके प्रश्नों का, साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आंसर क्या है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बेसिकली क्या होने के चांसेस हैं, उसके बाद जो है हम आंसर देखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहकर अपने क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सोचिएगा. ओके, कि आप क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो. आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोच लीजिए, फील कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन सोच सकते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि एक या दो क्वेश्चन ही पूछें, ताकि आपको जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल पाए. ओके, तो चलिए देख लेते हैं. हमारे पास है सिक्स ऑफ स्टोन्स, टेन ऑफ एरोज, एट ऑफ बोज, द मिरर, टू ऑफ वेसल्स, नाइट ऑफ बोज, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द वुड वॉट.
सो गाइस आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं बेसिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग ही होंगे। सो हम सबके ही क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो सबसे पहला मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके बहुत ड्रीम्स हैं, लाइक आपके बहुत ज़्यादा सपने हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली ने बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं, स्ट्रगल्स देखे हैं, और आप चाहते हैं कि आप उनके लिए एक उम्मीद बने, आप उनको वो हरी खुशियाँ दें जो वो नहीं देख पाए, या फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हुई पास्ट में, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की आपको कुछ बनाने के लिए, ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट किया, सब चाहते हैं कि इन रिटर्न आप उनको पूरी हैप्पीनेस दें, आप उनको फाइनेंशियली पूरी तरीके से मदद करें, उनकी जो भी ड्रीम्स हैं, उनकी जो भी इच्छा है उसे आप पूरी करें। सो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए घर बनाना चाहते हैं, आप अपने फैमिली को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर इन जनरल आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से उठाना चाहते हैं, हर एक खुशियाँ अपने फैमिली मेम्बर को आप देना चाहते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को, अपने बच्चों को, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं, उनको आप कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना चाहते हैं। सो आपकी ये ख्वाहिश है और आप जो है जानना चाहते हैं कि क्या आप उस चीज़ में सक्सेस पा सकते हो, क्या आप उन्हें सारी खुशियाँ दे पाओगे, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो पाएगी, क्या आप और आपके पार्टनर एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे, स्टेबल लाइफ जी पाएंगे, और अगर आपका सपना है कि पेरेंट्स को खुशियाँ दे पाओगे, सो आपके सपने बहुत हैं, आपकी इच्छाएं बहुत हैं, और आप जानना चाहते हो कि जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, क्या वो सारी हैप्पीनेस आप अपने फैमिली को दे पाओगे, अपने पेरेंट्स को दे पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, लाइक आप नीडी पीपल की मदद करना चाहते हैं, एनिमल्स की मदद करना चाहते हैं, हो सकता है आप खुद का एनजीओ भी चलाना चाहते हैं। सो आपको आप जानना चाहते हो कि क्या आप इस चीज़ में सक्सेस आपको मिलेगा, क्या आप जो है अपने विश को पूरा कर पाओगे, क्या आप नीडी पीपल की मदद कर पाओगे, क्या आप जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अनप्रिविलेज्ड, क्या उनको आप एजुकेशन दे पाओगे, क्या आप एनजीओ अपना खुद का खोल पाओगे और लोगों की, एनिमल्स की मदद कर पाओगे। सो आपको ऐसा फील होता है, बिकॉज आपको आपको शायद ऐसी इच्छा है, हो सकता है आप अर्निंग करते हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है लोगों के लिए। आपकी ऐसी इच्छा है और आप जानना चाहते हो कि बेसिकली आप इन सारे सपनों को, इन इच्छाओं को पूरा कर पाओगे कि नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्कर हैं ऑलरेडी, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, या आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हैं। एंड सो वेलकम टू माई चैनल। सो मुझे यह नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपने ही फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आप कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, या फिर आप लोगों को सही डायरेक्शन दें, आप एक बहुत अच्छे गाइड बनना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने पावर से लोगों में हैप्पीनेस, लोगों में पॉजिटिविटी, या फिर लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पावर है, लेकिन क्या आप वो चीज़ को कर पाओगे। कुछ लोग हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको, आप थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में हो कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे कि नहीं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंसिस की इशू है, हो सकता है फॉरेन सेटल होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, या फिर इन जनरल आप कुछ फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंसिस की भी कमी है, या फिर उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, या फिर उतने तरीके से प्रिपरेशन नहीं है। सो क्या वो फील्ड हम ऑप्ट कर पाएंगे, या फिर वो स्टडी हम कर पाएंगे, क्या हम सेटल हो पाएंगे बाहर। सो कुछ लोगों के लिए ये भी ड्रीम्स हैं, ये भी आप जानना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग, हो सकते हैं, स्पिरिचुअली अवेकंड हैं एंड आपने लाइफ में बहुत सारी अनरियलिस्टिक चीज़ों को फील किया है रिसेंटली या कुछ मंथ्स पहले, और आपको अब हर एक जगह में ना बहुत ज़्यादा पेन नज़र आता है, आप हर एक लोगों को फील कर पाते हैं, हर एक लोगों की एनर्जी को ना पूरी तरीके से फील कर पाते हैं। तो आपकी ऐसी इच्छा है कि चाहे आप कोई कुछ भी करो या किसी भी तरीके से आप लोगों के लाइफ की दुख को मिटाना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक ह्यूमन बींग होकर क्या उस चीज़ को कर पाओगे, क्या आप हर एक इंसान के दुख दुख को दर्द को मिटा पाओगे। सो ये भी आप जानना चाहते हो। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके आपकी कोई ड्रीम है, ठीक है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर इन जनरल आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई एक ट्रू लवर आए, कोई सोलमेट आए जो हमेशा आपका सपोर्ट करे, जो हमेशा आपकी बात सुने, जो आप ही की तरह हो, जो आपको बहुत प्यार दे, और अपनी बिगनिंग चाहते हैं अपने लव लाइफ में। सो आप ये भी जानना चाहते हो कि जैसा आपका आपका ड्रीम है, ठीक है, एक एक ड्रीम पार्टनर जो है आपका, आपने जैसा सोच रखा है अपने दिलो दिमाग में, क्या वैसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, क्या उनके साथ आपकी कभी मैरिज हो पाएगी, क्या जो आप
सोचते हो, जिसके बारे में आप ड्रीम देखते हो, क्या वो रियलिटी में हो पाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, या किसी क्रश के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर पास्ट से कोई इंसान है जिन्होंने आपको हर्ट किया, फिर आपने किया, आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान लौट कर आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो आपके प्यार को समझेंगे, क्या वो आपकी वैल्यू करेंगे। सो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप मैरिड हो सकते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके हस्बैंड या वाइफ आपको उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप उनके उनको देते हो, उनके लिए वेट करते हो। ओके, क्या वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तो ये भी आप जानना चाहते हो। ओके, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जानना चाहते हो कि आपके लाइफ में आपकी जो मैरिज होगी, या फिर जो लाइफ टाइम आपको जिस पार्टनर के साथ बिताना है, वो आपके सोलमेट होंगे कि नहीं, या फिर जैसा आप सपना देख रहे हो, जैसी आपकी डिज़ायर है, उस तरीके का इंसान आपके लाइफ में आएगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ करते हैं अपना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में भी है, या फिर ऑनलाइन आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपको आपको जो है ना अपनी कम्युनिटी हो सकता है बढ़ानी है, या फिर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी आपकी एक्सपैंड हो, या फिर लोग आपको जाने, आपको ऑफर्स आए, आपको कोलैबोरेशंस आए, ठीक है, एंड आपको बहुत सारे लोग पसंद करें, या आप बहुत ज़्यादा जो है ना अबंडेंस अट्रैक्ट करो, हैप्पीनेस एंड अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन है, आप ये भी जानना चाहते हो कि वो चीज़ हो पाएगी या नहीं। ओके, हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, या फिर जेन्युइन फ्रेंड्स बहुत कम हैं। सो ये भी जानना चाहते हो कि आपकी आपके लाइफ में क्या स्ट्रॉन्ग स्टेबल लोग आएंगे जो आपको मदद करेंगे, जो आपकी जेन्युइन फ्रेंड्स बनेंगे, जो हमेशा आपके साथ इंजॉय करेंगे लाइफ को। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हमेशा अपना टाइम जो है ज़्यादातर हो सकता है अकेला बिताते हैं, ठीक है, आपकी इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल से आपकी इच्छा है कि आप पार्टीज़ वगैरह करें, आप इंजॉय करें लाइफ को, खुल के जिए, ऐश करें। ओके, सो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके सपने, आपके ड्रीम्स, ठीक है, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, वो चीज़ आप कर पाओगे कि नहीं खुल के। ओके, सो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है लाइफ में पावर चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो पावर, वो अथॉरिटी आपके पास आएगी या नहीं। ओके, कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ डिग्रीज लेना चाहते हैं, उसमें आप जानना चाहते हैं कि सक्सेस होगा कि नहीं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि प्रमोशन चाहते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी से हो सकता है सेपरेट होना चाहते हैं, या फिर आपके कोई लीगल इशूज़ चल रहे हैं किसी भी तरीके से, और आप जानना चाहते हो कि जो लीगल इश्यूज हैं उससे आप निकल पाओगे कि नहीं, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होंगी कि नहीं। ओके, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो या करते थे, एंड आप चाहते हो कि आप सेपरेटली खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आप पार्टनरशिप से हटना चाहते हो, लेकिन अभी तक हो सकता है आप उसमें सक्सेस नहीं पाए हो, तो आप जानना चाहते हो कि क्या आप उस चीज़ से निकल पाओगे कि नहीं, और अकेला अपना कुछ सेटअप कर पाओगे कि नहीं, और उसमें आपको जो है अचीवमेंट, ऑफर्स, कोलैब्स वगैरह मिलेंगे या नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप फैशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, फैशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, मॉडलिंग हो सकता है, ओके, मेकअप वगैरह में भी हो सकते हो आप, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में भी हो सकते हो आप, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जानना चाहते हो वो चीज़ आपके लिए ऑप्ट करना सही होगा कि नहीं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपने फिजिक में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, लाइक आपके आउटर अपीयरेंस में, आपके ग्रूमिंग में, ठीक है, आपके 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 लाइफ स्टाइल में, आपके इक्विप में। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आप अपने फिजिक में चेंजेस लाना चाहते हैं, आपके आउटर अपीयरेंस में आप थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से हो, वर्कआउट के थ्रू हो, या किसी तरह के ट्रीटमेंट्स के थ्रू हो, ओके, या फिर कुछ भी तरीके से आप हो सकता है कि अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। ओके, अगर आपकी लाइक ओबेसिटी वगैरह है तो उसमें भी हो सकता है कि आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो फिजिक है वो ठीक हो जाए। ओके, या फिर आपके अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाए, और आपको पता नहीं है कि वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं, ठीक है, आपने जैसे ड्रीम देखा है, आप जैसा चेंजेस अपने अपीयरेंस में लाना चाहते हो, वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे क्वेश्चन चैनल्ड हो रही है गाइस। ओके, सो और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप यंगर दिखना चाहते हैं अपने एज से। ओके, आई डोंट नो ये किसका क्वेश्चन है। अपने जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी क्वेश्चन थी, आप क्या पूछना चाह रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है यंगर दिखना चाहते हैं, और आपको पता नहीं है कि आप यंगर दिखोगे या नहीं। ओके, आपका ये भी इच्छा है और आप जानना चाहते हो। ओके, पेशेंस नंबर 16।
ओके सर, कुछ चीज़ में हो सकता है वर्क कर रहे हैं पेशेंटली, ठीक है, कोई स्टडी में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी तरीके की चीज़ों में, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअल वर्कर हैं, सो आप अपने सोल को अलाइन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एंजल्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ में सक्सेस आपको मिल पाएगा कि नहीं, आप सक्सीड करोगे या नहीं। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल नंबर 38, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आपकी इनर वर्क पूरी तरीके से होंगी कि नहीं, आप अपने सोल को अलाइन कर पाएंगे कि नहीं, आपके चक्रास बैलेंस्ड हो पाएंगे कि नहीं पूरे तरीके से। ओके, एंड कुछ लोग तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपने एंजल्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ पूरी तरीके से कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हो कि वो चीज़ रियलिटी में हो पाएगी कि नहीं, आप अपने एंजल्स को फील कर पाओगे कि नहीं, एंजल्स की गाइडेंस आप डायरेक्टली उनसे रिसीव कर पाओगे कि नहीं। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी से सच्चा प्यार करना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, या तो फ्यूचर पर्सन को या फिर किसी को जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, तो आपकी ये भी एक क्वेश्चन है कि आप उनको ढेर सारा प्यार दे पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन हैं, और आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाओगे कि नहीं, आप ग्राउंडेड रह पाओगे कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए अब हम पेंडुलम की मदद से देख लेते हैं, अगर इन सारे क्वेश्चन के अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस थे तो आप जो है पेंडुलम रीडिंग करते वक्त आईज को क्लोज करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपको जो है आंसर मिल जाए, बिकॉज जनरल रीडिंग है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर है यस। वाओ, यस, इट्स अ यस गाइस। ओके, सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर है यस। यानी कि आपके जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर हाँ में है। सो चलिए अब हम जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, फिर जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आप चाहते हो उसके लिए जो है आपको पास से मूव ऑन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को जो भी आपने लाइफ में सीखा है, अपने करियर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस करना है। ओके, एंड खुद में वर्क करना है। सो अगर आप इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो उसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर ऐसी भी आपकी नॉर्मल कोई भी क्वेश्चंस थी जैसे मैंने आपको बताई, तो उसमें जो है ना थोड़ी सी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि जो आप पूछ रहे हैं या फिर जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है भी या नहीं। ओके, जो आपके डिज़ायर्स है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है या नहीं है। ओके, सो बेसिकली मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, और बिलीफ रखिए अगर आपकी कोई सही में कोई ऐसी विश है जो आप सही में पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें जो है बिलीफ रखना पड़ेगा आपको। ओके, और प्रोग्रेस आपको खुद से ही लानी पड़ेगी, ठीक है, खुद से ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो कुछ भी अगर आपकी विश है, डिज़ायर्स है, या कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से जानिए कि जो आप करना चाह रहे हैं, आप जो आप चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, और अपने पास से मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।